जिस प्रकार का व्यवहार आज कांग्रेस पार्टी ने किया है, जी चाहता है उनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए। एक डेमोक्रेटिक सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस पार्टी के ऊपर आज करने का मन कर रहा है। रोज पाकिस्तान के पीठ को आप सहलाते हैं, पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। रोज हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस फोर्सेस, हिंदुस्तान के जवान, उनके ऊपर हिंदुस्तान की सरकार, उनके ऊपर आप आघात करते हैं, उनके ऊपर आप आक्रमण करते हैं। आज जिस प्रकार का स्टेटमेंट अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का आया है, हम उसका घोर निंदा करते हैं। जब पुलवामा हमला हुआ उसमें 42 हमारे सैनिकों की जान गई। वो आरडीएक्स कहां से आया हमने कई बार पूछा, वो आरडीएक्स लेकर कौन आया हमने कई बार पूछा, वो आरडीएक्स देश में इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कैसे आ गया कई बार पूछा, वो कार जो आर्मी के कॉन्वॉय में आ ही नहीं सकती थी किसी भी तरह से, वो कार कैसे आ गई हमने कई बार पूछा, पर ने मोदी जी ने ना अमित शाह जी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना राजनाथ जी ने। अब ये सामने आया है कि यही देवेंद्र सिंह उस समय डिप्टी एसपी डीआर पुलवामा में था। तो क्या देवेंद्र सिंह एक मोहरा है या देवेंद्र सिंह ही षड्यंत्र का सूत्रधार है? इस सारे मामले की जांच होने की, गंभीर जांच होने की, गहन जांच होने की आवश्यकता है। और क्या देवेंद्र सिंह के तार जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में या जम्मू कश्मीर के बाहर दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन में किसी व्यक्ति या समूह से जुड़े हुए तो नहीं जो भारत के खिलाफ सत्ता में बैठकर षड्यंत्र कर रहे हैं? I had referred that had Devender Singh by default been named Devender Khan, certainly the troll regiment led by RSS would have been more strident and vociferous. The reason is the RSS and the BJP, they have been striving hard to disrupt the communal harmony of our nation.